हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस तरह का ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को कलर कैसे करना है। बिल्कुल ही आसान है दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को कलर कैसे करना है। तो सबसे पहले हम कलर वाले फोटो को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बचा है, अब इसको हमको कलर करना है। कोई भी फोटो को कलर करने के लिए आपको उसमें कलर जरूरत जरूर पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कलर को ले लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा, लेयर वाले ऑप्शन में सबसे नीचे आइएगा, यहाँ पर क्रिएट इस आइकन पर क्लिक कीजिएगा। तो क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर है, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ से सॉलिड कलर को ले लेना है। सॉलिड कलर में आपको उस कलर को लेना है। सबसे पहले हम अभी साड़ी का कलर ले लेते हैं। तो मान के चलिए हम रेड ले लेते हैं, इस तरह का साड़ी का कलर रेड ले लिए और ओके कर दिए। लेकिन ये पूरे में लाल आ गया है, फोटो हमारा अंदर हो गया है। तो इसको करना क्या है, कंट्रोल आई कीबोर्ड से कंट्रोल आई क्लिक करेंगे ताकि ये इन्वर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो कंट्रोल आई क्लिक कर दिए, ये इन्वर्स हो गया। आप कलर जो है हमारा इसके पीछे चला गया है। और उसके बाद देखिए, लेयर में एक लेयर और जुट गया है। तो अब इसी लेयर को हम डुप्लीकेट लेयर एक और ले लेंगे, क्योंकि हमें अभी और भी कलर हमको चाहिए। तो इसमें एक लेयर और ले लेते हैं, कंट्रोल जे से कॉपी कर लिए। अब हमको जो है एक इसका इनका स्किन का कलर लेना है, चेहरा का, फोटो के चेहरा का कलर लेना है। तो चेहरा का कलर लेने के लिए आपको सबसे पहले वो फोटो आप ले लीजिए। मान के चलिए हम एक फोटो, चलिए हम इस फोटो में थोड़ा अच्छा फोटो ले लेते हैं, ताकि उससे हम चेहरा का कलर निकाल सकें। तो चलिए हम इस तरह से इनका फोटो ले लिए हैं, और इस फोरग्राउंड कलर पर क्लिक करके इस चेहरे वाले फोटो को क्लिक कर लेना है और ओके कर देना है। अभी फोटो का कोई काम नहीं, फोटो को हटा लीजिए। अब ये कंट्रोल जे करके जो डुप्लीकेट लेयर लिए हैं, इसका जो रेड एरिया है उस पर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ से फोरग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए उसके बाद आ गया, उसको ओके कर लीजिए। अब ये मेरा पहला लेयर हो गया रेड वाला, दूसरा हो गया स्किन कलर हो गया। अब इनका ब्लाउज का कलर है कुछ लेते हैं। तो उसके लिए फिर से हम कंट्रोल जे करते हैं, एक लेयर और आ गया। अब इनका ब्लाउज का कलर मान के चलिए हम ब्लू ब्लू ले लेते हैं। तीन कलर हो गया, एक बैकग्राउंड कलर चाहिए। तो फिर हमको कंट्रोल जे करना है, एक डुप्लीकेट लेयर लेना है, और इस बार फिर हम कलर चेंज कर लेंगे। बैकग्राउंड कलर मान के लिए हम कुछ ये वाला रख लेते हैं, ये बैकग्राउंड कलर हम रख लिए, अब ओके कर दिए। अब जेवर का कलर भी हमको इसमें ले लेना है। तो उसके लिए फिर हम कंट्रोल जे करते हैं और ज्वेलर्स का कलर हम ले लेते हैं। मान के लिए कुछ इस तरह से पीला ढंग का हम ले लेते हैं। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ले, 1 2 3 4 5 पांच को कलर हमारे पास आ चुका है। अब सभी लेयर के कलर को यहाँ नॉर्मल में जो लिखा हुआ है इस पर सेलेक्ट करके आपको सभी को कलर कलर पर क्लिक कर देना है। देखिए कलर पर क्लिक कर दिए, फिर नीचे वाला लेयर पर क्लिक करके इसको भी चेंज करके कलर पर सेलेक्ट कर देना है। फिर इसको भी नॉर्मल को हटाकर कलर पर चेंज कर देना है। सभी को आपको कलर पर कर देना है। कलर पर सभी को कर दिए हैं। और ध्यान ज़्यादा रखें कि स्किन का जो कलर है सबसे नीचे रहे। तो स्किन का कलर हमें थोड़ा सा ऊपर हो गया है, इसको हम घींच के नीचे ला देते हैं। सबसे स्किन का कलर सबसे नीचे रखिएगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। अब आपको लेना है ब्रश टूल।
ब्रश टूल पर क्लिक करना है और इसका केपी ओपेसिटी जो है 100 रखिए और फ्लो भी 100 रखिए, उसमें छेड़छाड़ नहीं करना है, वो आपको पूरा ही पूरा रखना है। इस फोटो को थोड़ा बड़ा कर लीजिए। सबसे पहले आपको स्किन का कलर करना है, तो स्किन वाला कलर पर, लेयर वाला पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ से ब्रश टूल ले लेंगे, स्मूथ वाला ले लिए हैं। थोड़ा सा ब्रश का साइज बढ़ा लेते हैं और जिस एरिया में स्किन है वहाँ ब्रश करना है। देखिए बारीकी से पूरा इस तरह से ब्रश सिर्फ कर देना है, ऑटोमेटिक ये कलर फोटो में चेंज हो जाएगा। जिस एरिया में स्किन है उस एरिया में आपको करना है। तो हम वीडियो को तरफ पॉज कर देते हैं, आप बारीकी से कर लीजिएगा, वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसीलिए हम थोड़ा वीडियो को रोक लेते हैं। उसके बाद हम पूरा स्किन का कलर करके उसके बाद फिर हम वीडियो को दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने पूरा स्किन को कलर कर लिए हैं। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही कलर है, बहुत ज़्यादा लाइट में है, तब यहाँ से इसका ओपेसिटी को जो है आप कम भी कर सकते हैं, इस ओपेसिटी को कम करके तो कम भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक ठाक है। दोस्तों इसमें एक बात और, अगर किसी कारणवश आपको अगर गलत एरिया पर पेंट हो गया है तो इसको रिमूव कैसे करना है, इसको हटाना कैसे है, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ से आइए और जो फोरग्राउंड पर में वाइट है और नीचे ब्लैक है, इसको आप चेंज कर दीजिए। चेंज करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, इसके बगल में जो दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए, ये चेंज हो गया है। अब जहाँ एक्स्ट्रा कलर पेंट हो गया है वहाँ आप इस तरह से ब्रश करके मिटा सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं सब एक्स्ट्रा पेंट हो गया है, तो हम यहाँ से इस सब को मिटा देते हैं और देख सकते हैं ज्वेलरी को भी पेंट हो गया है, तो इसको भी हम मिटा देते हैं। तो देख सकते हैं इसको बहुत ही बारीकी से हम मिटा देते हैं क्योंकि इसमें हमको दूसरा कलर देना है। तो ये मिट गया है और इस साइड वाला भी मिटा देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने हार पर पेंट कर दिए थे, उसको हम रिमूव कर दिए हैं। अब हमको इनका साड़ी पर कलर करना है, तो साड़ी वाला लेयर पर हम पहले क्लिक कर लेते हैं। साड़ी के लिए हम कौन सा कलर डिसाइड किए थे, रेड वाला, तो रेड पर क्लिक कर लिए हैं। अब यहाँ से इस हम कर्सर को हम बदल लेंगे, नहीं तो नहीं बदलेंगे तो अभी मिटाने वाला अथी है क्योंकि ऊपर में ब्लैक है, तो ऊपर में पहले हम वाइट कर लेंगे। अब फिर से उसी तरह से जिस जगह पर साड़ी है उस जगह पर हमको भी पेंट कर देना है। तो देख सकते हैं इस तरह से हम बहुत ही बारीकी से जिस जगह पर साड़ी है उस जगह पर हम पहले पेंट कर लेते हैं अच्छा से। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने साड़ी को भी अच्छी तरह से पेंट कर लिया है। अगर आपको लग रहा है कि साड़ी का कलर हमको चेंज करना है तो बहुत ही सिंपल है, आप इस रेड वाले पर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ से आप साड़ी का कलर चेंज कर लीजिए। चलिए हम कुछ इस तरह से ब्लू कलर को सेलेक्ट कर लिए, देख सकते हैं साड़ी का कलर चेंज हो गया है। अब इस ब्लाउज का कलर को हमको कलर करना है, तो पहले ब्लाउज वाला कलर जो हम जो डिसाइड किए हैं उस लेयर पर हम क्लिक करेंगे और इसको फिर हम उसी तरह से पेंट करना शुरू करेंगे। बहुत पहले जूम कर लेंगे और बारीकी से पेंट करेंगे। तो देख सकते हैं मेरा ब्लाउज भी पेंट हो गया है। अब बैकग्राउंड को हम कलर करेंगे, तो बैकग्राउंड का कलर हमने डिसाइड किया था ये वाला कलर, इस लेयर पर पहले हम क्लिक कर लेंगे, उसके बाद हम बैकग्राउंड कलर को ब्रश टूल लेकर पेंट कर लेंगे। ये भी बारीकी से कर लीजिएगा। फोटो को जूम कर लेते हैं।
तो हाँ दोस्तों, देख सकते हैं हमने बैकग्राउंड कलर को भी अच्छी तरह से पेंट कर लिए हैं। अब बचा है जेवर, ज्वेलरी बचा है दोस्तों, तो ज्वेलरी को भी हम जूम करके बारीकी से पेंट कर लेते हैं, ब्रश का साइज छोटा कर लेते हैं और इसमें भी इस तरह से पेंट कर देते हैं। अभी थोड़ा ज़्यादा लाइट इसमें दिख रहा है, कोई बात नहीं, हम लाइट को बाद में भी हम कम बेसी कर सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा कहीं एक्स्ट्रा अगर रंग चढ़ जाता है तो हम उसको आराम से यहाँ से चेंज करके मिटा सकते हैं। तो इसको हम पहले कर लेते हैं, नीचे भी हार है, इसको भी हम इस तरह से बारीकी से दोस्तों जितना बारीकी से आप काम कीजिएगा उतना ही अच्छा होगा। ये देख सकते हैं दोस्तों ज्वेलरी को, अगर आपको ज़्यादा इसमें ज्वेलरी में लग रहा है कि ज़्यादा ही ये लाइट है तो इसको ओपासिटी को कम कर दीजिए। ओपासिटी को हम कम कर दिए, अब ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने बहुत ही आसान तरीका से ब्लैक एंड वाइट फोटो को कलर कर दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।